अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ट्यूटोरियल कंपनी। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम ऑटो ब्लॉगिंग अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट पे कैसे कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक नीच है और आप चाहते हैं कि उस नीच के रिलेटेड हमें आर्टिकल्स मिले, और ना यूट्यूब से हम करें, ना ही डेली मोशन से, ना ही IFTTT वेबसाइट पे जो ऑलरेडी उन्होंने वेबसाइट दी हुई है, ना ही उनके आर्टिकल्स हम लें, हम अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट के आर्टिकल्स लें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो सब बताने वाला हूं, तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास एक ब्लॉग है ऑलरेडी, जो इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। एक दफ़ा हम इसको विज़िट कर सकते हैं। ये ब्लॉग पे मैंने क्लिक किया है और ये ब्लॉग जो है वो शो हो गया, और आप देख सकते हैं कि इसमें गूगल एडसेंस के एड्स भी लगे हुए हैं। तो एक सवाल आता है कि क्या ऑटो ब्लॉग पे हम गूगल एडसेंस लगा सकते हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉग के अंदर गूगल एडसेंस के भी एड्स जो हैं वो आपको भी शो होंगे। ये देखिए, ये ऐड गूगल एडसेंस का है, ठीक है। तो ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग के अंदर मैं ऑटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इस पर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मुझे एक क्यूरी आई थी कि हमें बताएं हम कैटेगरी वाइज किस तरह से ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट को कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने IFTTT इस पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। आप अपने गूगल से भी कर सकते हो, जीमेल से, और फेसबुक से भी इसको साइन अप कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ईमेल के ज़रिए भी अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकते हो। लेकिन हर बार की तरह मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप ऑटो ब्लॉगिंग करें तो एक न्यू जीमेल के साथ करें, अपने ओल्ड जीमेल के साथ ना करें, किसी ऐसे जीमेल के साथ ना करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि IFTTT पे एक काम करना है, और वो क्या करना है, सबसे पहले सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है ब्लॉगर, ठीक है। ब्लॉगर पे क्लिक कर लेंगे। वैसे मैं ये सब कुछ पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी उनकी हेल्प के लिए मैं ये दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको पहले अपने ब्लॉगर को कनेक्ट करना है। कनेक्ट किए बगैर जो है वो ऑटो ब्लॉगिंग जो है वो नहीं होगी। इसको आपने साइन इन करना है उसी ईमेल के साथ जिसमें आप लगाना चाह रहे हो, उसको अलाउ कर देंगे, अभी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमने ब्लॉगर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, हम चले जाएंगे माय एप्लेट्स के अंदर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ। न्यू एपलेट, ये पहले बटन यहाँ पर शो नहीं हो रहा था बिकॉज स्क्रीन बहुत बड़ी थी, तो न्यू एपलेट पे हम क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम कैटेगरी वाइज किस तरह से RSS फीड लेंगे जिनके थ्रू हम ऑटो ब्लॉगिंग करेंगे अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें RSS फीड्स को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं, इस दफ़ा मैं हेल्थ लिख लेता हूँ, हेल्थ RSS फीड्स। ओके, मैं मेडिकल एंड हेल्थ RSS XML न्यूज़ फीड्स, इस पर क्लिक करेंगे। ये RSS फीड्स को फाइंड करने का एक मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि आप उस तरीके से भी किसी अपनी पसंद की वेबसाइट का RSS फीड कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, अगर तो मुझे मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर मैं क्या करूँगा, RSS न्यूज फीड्स चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ से मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये देखिए ये है जी जो यहाँ पर मिल चुकी है। हमें अपनी पसंद के टॉपिक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए, अस्थमा है, हार्ट पेशेंट्स के लिए है, एलर्जी है, एड है। तो ये आपका आप पर डिपेंड करता है कि हमें कैटेगरी वाइज कौन सा टॉपिक चूज़ करना है। तो अब यहाँ से किसी भी
आरएसएस को यहाँ से कॉपी करके, ये वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो आगे ओपन हो जाएगा। उसको आपने कॉपी करके क्या करना है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू एप्लेट पे क्लिक करना है, मैं इसमें लगा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, करना आपने खुद दिया। मैं यहाँ पर सब कुछ तो नहीं करके बता रहा, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे करेंगे। यहाँ से आपने आरएसएस फीड जो लिंक लिखा हुआ है इस टॉपिक के नीचे लिखें https rss.,  ये वेबसाइट का जो है वो डोमेन है, उसके बाद यहाँ पर .xml लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना है। जब आप ये लिंक कॉपी कर लेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, इफ़ दिस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इफ़ दिस, यहाँ से हमने आरएसएस फीड देखिए बिल्कुल सामने आपके आ चुका है, आरएसएस फीड पे क्लिक करना है, ठीक है। आरएसएस फीड पे जब आप क्लिक करेंगे, मैं क्लिक क्यों नहीं कर रहा, तो चलिए दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। कम ऑन आई एफ टी टी, तो ठीक है जी, थोड़ा स्लो हुआ है नेट, शायद प्रॉब्लम होगी। या फिर देखिए न्यू फीड आइटम पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने वो जो यू आर एल यहाँ पर कॉपी किया था वो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, और उसके बाद आपने क्रिएट ट्रिगर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर लेना, जैसे मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर रख देते हैं, और जो वेबसाइट मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ अब मैं आपको वो मेथड बता देता हूँ कि वो कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये है उर्दू न्यूज़, ठीक है। इस वेबसाइट का हमें आरएसएस कोड चाहिए, क्योंकि तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर जितने भी ये टॉपिक्स हैं कि सारे वहाँ पर जो है वो आ जाएँ उस ब्लॉग के अंदर। तो इसका आरएसएस फाइंड कैसे करेंगे, इस वेबसाइट पर आपने अपने माउस का राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने इसका व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना है, urdunews.com। जब आप इसका व्यू पेज सोर्स ले लेंगे तो यहाँ पर आपको एक आरएसएस का लिंक भी शो करवाएगा, जिसके अंदर इसके तमाम आर्टिकल जाते हैं, और वो एक्सएमएल होगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल ऊपर ही शो करवा चुका है, https://www.urdunews.com/rss.xml। तो मैं इस लिंक पर जब क्लिक करूँगा तो इस लिंक को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद, ठीक है, ये वाला वो जो लिंक है जिसमें सारे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इसको हमने जब कॉपी कर लेना है तो फिर आपने यहाँ पर वापस जाना है IFTT के अंदर, जहाँ पर मैंने अपना काम रोक दिया था, माई एप न्यू ऐप पे क्लिक करके आरएसएस फीड पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने न्यू ऐड फीड पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर वो यूआरएल आपने दे देना है। जब तो आप यूआरएल दे देंगे तो आपने क्रिएट ट्रिगर पे क्लिक करना है, क्रिएट ट्रिगर पे क्लिक करेंगे इफ दिस देन डैड क्या होगा, आपने डैड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने लिखना है ब्लॉगर। ब्लॉगर पर जब आप क्लिक करोगे तो आप दो चीज़ें आ जाएंगी, आप अपनी फ़ोटो पोस्ट लगानी है या पोस्ट करनी है, तो आपने पोस्ट करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ पोस्ट। यहाँ पर देखिए एंट्री टाइटल, आप अगर वही रखना चाह रहे हो तो इसको मत छेड़ें, अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद बॉडी बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा, फीड टाइटल फ्रॉम कहाँ से आया है, और उसका एंट्री यूआरएल भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो लिंक है वो बताएगा। तो इसमें इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वो चीज़ है जिससे आपको कॉपीराइट का मसला नहीं आता, तो इसको आपने ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है ये बता रहा है, फीड टाइटल और ये एंट्री यूआरएल बता रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेबल है फीड टाइटल, टाइटल का ही जो होगा वो यहाँ पर शो करवाएगा, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेबल्स को अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो। IFTT को आप यहाँ से हटा दो, और उसके बाद आप क्रिएट एक्शन पे क्लिक कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो एप्लेट है ये काम करना स्टार्ट कर देगा, आपकी अपनी अपनी मर्जी की वेबसाइट पे ऑटो ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है, जो कि लास्ट स्टेप है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि गूगल एडसेंस भी लग जाता है ऑटो ब्लॉग के ऊपर, जिस तक मैंने आपको दिखा दिया है ऑटो ब्लॉग
ऑलरेडी प्रोग्रेस सेंस लगा हुआ है। इसके अलावा मज़ीद कोई सवाल है आप लोगों के जहन में ऑटो ब्लॉगिंग के रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।